देवास के बीएनपी थाना में फिल्मी स्टाइल में हत्या करने का मामला सामने आया है। एक पुराने प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में आरोपियों द्वारा पहले कुछ दिनों तक मृतक की रेकी की गई, उसके बाद सही मौका पाकर आयशर वाहन से बाइक पर जा रहे मृतक को रौंद दिया गया। एक बार नहीं दो बार अलग अलग आयशर वाहन से मृतक को रौंदा गया। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल आज से दो दिन पूर्व 13 तारीख को भोपाल रोड पर ग्राम घंटाबा में हुए सड़क दुर्घटना में महेंद्र पिता नारायण पटेल निवासी सुमरा खेड़ी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर देवास पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के संबंध में मृतक के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली गई। परिजनों द्वारा हत्या होने की आशंका व्यक्त करने पर पुलिस ने जांच के तथ्यों को देखते हुए बीएनपी थाने में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। बीएनपी पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो युवक का श्याम कुमावत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें खुलासा हुआ कि सुपारी देकर मृतक की हत्या कराई गई थी। और केसेस पुलिस यहां तक पहुंची आरोपी तक। देखिए बीएनपी थाना पुलिस ने आज एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई दो दिन पहले, जिसमें भोपाल हाईवे पर सुपारी लेकर एक व्यक्ति की मृतक की हत्या कर दी गई और श्याम कुमावत नाम के व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी संबंधी विवाद जो उनका पहले से चल रहा था उसमें मृतक को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से इसका मर्डर किया गया। ये बहुत ही सिनेमाई तरीके से इसने किया, जिसमें किसी को संदेह नहीं हो, किसी को किसी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मान के उसको मान लिया जाए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपनी संवेदनशीलता और अपनी मेहनत से सारे सीसीटीवी फुटेजेस मंगाले, सब जगह से साइबर की टीम ने, फॉरेंसिक्स की टीम ने सबूत इकट्ठे किए और फाइनली ये एस्टेब्लिश किया कि ये मर्डर था। और मर्डर में जितने भी शामिल आरोपी थे पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयुक्त दोनों गाड़ियों को जो आयसर थी, कार को, मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है और हम उनको आज न्यायालय में पेश करेंगे। सर क्या मुख्य कारण आया हत्या का? एक 32 बीघा जमीन को लेकर जो भौरासा थाना क्षेत्र में स्थित है उसको लेकर इन दोनों मृतक और आरोपी जो मुख्य आरोपी है श्याम कुमावत, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते आरोपी मृतक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उसी की परिणति में इसने इस अंजाम दिया। गाड़ी से कुछ पुलिस ने घटना में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी श्यामलाल, जितेंद्र, संजय, कालूराम और अखिलेश सभी मृतक से परिचित थे। वहीं मुख्य आरोपी समेत सभी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।